खूंटी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की गाड़ी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका, काले झंडे दिखाए और गाड़ी पर पथराव भी किया। सतीश पूनिया जयपुर से कोटा जा रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उनकी गाड़ी, उनके काफिले को रोक लिया गया। तनाव के हालात देखने को मिले। इस दौरान सतीश पूनिया की गाड़ी से गाड़ी पर पथराव का एक वीडियो भी जारी किया। हमले के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि वह डरने वाले नहीं है, ऐसे हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं। खतरे में थे क्योंकि ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि मैं भी लगभग 90 से 30 वर्षों से राजनीति में हूं, इस तरीके के दृश्य मैंने नहीं देखे। विरोध भी होता है, मतभिन्नता होती है, हम पिछले दिन से आंदोलन रीत को लेकर, निर्भया को लेकर चला ही रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ और जिस तरीके से हुआ, मुझे लगता है कि सीधी सीधी मुख्यमंत्री के जो क्योंकि धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके इशारे पर इस तरीके से दबाने की कोशिश की थी क्योंकि विधानसभा का सत्र होगा और हम लोग पिछले कई अरसे से इन सारे मुद्दों पर मुखर होकर काम कर रहे थे। लेकिन ये वानगी जरूर है कि यदि किसी विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से कोई हिंसा पे उतारू होगा तो उनकी नीति और नीयत साफ नजर आ रही है, पर हम लोग इससे डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। वो कितनी गुंडागर्दी करेंगे, कितनी बदमाशी करेंगे, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब भी देंगे, लेकिन डरेंगे नहीं।